नमस्कार भक्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी के शुभ दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की सबसे पौराणिक कथा। सतयुग में अत्यंत सरल एवं सत्यनिष्ठ स्वभाव के हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वो स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वो विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। वो पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वो बड़ी व्याकुल हुई। वो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से विनती करने लगी, हे गणेश जी, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वो ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वो भयवश कांपने लगा, और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराजा हरिश्चंद, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी बच्चे की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। यदि मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तो वो मेरा कुछ बिगाड़ ना पाएगी और मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस बालक को मैंने जिस स्थिति में छोड़ा था वो उसी तरह निर्भय भाव से वहाँ बैठा है और आवा में जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस बालक को देखने आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देख कर मंत्री से राजा ने कहा, ये क्या बात है, ये किसका बालक है, इस बात का पता लगाएं। इस आवे में जांग भर पानी कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी हरी धूप कहाँ से उग गई। बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना इसे भूख प्यास ही है। ये आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे, वो ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुंची। वो कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी। वो अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है, अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। भगवान गणेश की कृपा से ही मेरा पुत्र सुरक्षित बचा है। माना जाता है कि इसी दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ हुआ। इस सर्वोत्तम व्रत के प्रभाव से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी मनुष्य इस पावन व्रत को करता है उसे पूर्ण सफलता मिलती है। वो पृथ्वी लोक के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए गणपति महाराज की जय।